फ्यूजन फूड में आज मैं बनाने वाली हूँ इंस्टेंट पेड़ा, जो बच्चों को और बड़ों को सभी को अच्छा पसंद आता है। तो हम जो इंस्टेंट पेड़ा है वो बनाने वाले हैं चने की दाल से। जो ये भुनी हुई चने की दाल मैंने ली है, इससे हम पेड़ा बनाने वाले हैं। उसके साथ हमें चाहिए पाउडर शुगर, ये मैंने पाउडर शुगर मिक्सी में किया हुआ है। और इसी के साथ हमें थोड़ा सा स्वाद भी हम इस पेड़े में देंगे, जो है केसर वाला दूध मैंने यहाँ पर मिक्स करके रखा है। थोड़े से गर्म दूध में केसर डाल के रखें आप। और इसके साथ ये है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ये चने की दाल, भुनी हुई चने की दाल, कोई भी ग्रोसरी शॉप में आपको इजीली मिल जाएंगी। इसे हम एक मिक्सर जार में लेकर पीसना है, अच्छे से पाउडर होने तक इसे हमें पीसना है। ये हमारी चने की दाल अच्छे से पीस चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इसे छान रही हूँ ताकि मुझे जो है इसमें पाउडर बेस मिले। तो अच्छे से आप पीसने के बाद भी इसे छान ले तो आपका जो पेड़ा है वो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा। ये देखिए, छानने के बाद कुछ इस तरह से आप टच करके देख सकते हैं, बिल्कुल पाउडर जैसा ये हमारा पीस कर रेडी है। तो इसके लिए अब मैंने एक बाउल में घी लिया है। घी को मैंने 1-2 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था। हमें लिक्विड घी नहीं चाहिए, कुछ इसी तरह से गाढ़ा वाला घी चाहिए, क्योंकि हम इसे फेटने वाले हैं और इसे हमें क्रीमी बनाना है। अच्छे से फेट कर इसे सॉफ्ट करना है। तो ध्यान रखें कि थोड़ा घी आप 2 मिनट के लिए फ्रिज में रखें और फिर उसे फेटना शुरू करें। ये देखिए, करीब 1 मिनट तक फेटने के बाद ये कुछ इस तरह से घी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। जो मैं पाउडर शुगर यूज कर रही हूँ उसको भी मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है और छानली से छान लिया है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसे भी हमें करीब 2 मिनट तक अच्छे से चलाना है। इसे हम हमें अच्छे से करीब 2 मिनट तक चलाना है ताकि ये थोड़ा क्रीमी लुक दे हमें। ये देखिए, ये काफी अच्छा क्रीमी लुक दे रहा है। जितना आप अच्छे से फेटोगे, जितना आप इसे अच्छे से चलाओगे, आपका पेड़ा उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो ध्यान रहे कि इसको आपको थोड़े से चलाने की कष्ट करने पड़ेंगे। ये देखिए, काफी अच्छा क्रीमी लुक है। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा केसर वाला दूध मिलाना है। ये केसर वाला दूध इसलिए है कि इसमें पेड़े में कलर भी आएगा और केसर का स्वाद भी आएगा। तो ज्यादा नहीं मिलाना है, बिल्कुल थोड़ा सा मिलाना है। मैं यहाँ पर करीब 4 चम्मच केसर वाला दूध ले रही हूँ, और उसके साथ मैं इसमें थोड़ी सी शामिल करूंगी इलायची पाउडर, तो इसका भी अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर ले। अगर आपको इसमें दूध नहीं शामिल करना है तो आप सिर्फ केसर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, बिल्कुल इसमें कोई खोया या मिल्क पाउडर की जरूरत नहीं होती है। और कई बार ऐसे हो जाता है कि मेहमान आ जाते हैं, हमारे पास कोई स्वीट नहीं होता है, तो आप ये घर में आसानी से बना सकते हो। तो इसके साथ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ पिस्ता और बादाम लिया है, आप चाहे तो अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो ये देखिए, मेरा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे रोस्टेड चना दाल पाउडर, जो हमने मिक्सी में किया था अच्छे से, तो इसे भी हम अच्छे से शामिल कर लेंगे। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल 5 मिनट में बन जाती है और खाने में इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप मुझे जरूर कमेंट करोगे। तो थोड़ा सा चम्मच से मिक्स करने के बाद में आपको इसे हाथों से जरूर मिक्स करना है। ये कुछ इस तरह से हमारा डो रेडी हो गया है। अगर ये आपको थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप इसमें घी डाल सकते हैं और फिर से मिक्स कर सकते हैं। तो मुझे तो ज़रूरत नहीं लग रही है घी डालने की, मेरा डो बन रहा है। तो अब हम इसके पेड़े बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आप दोनों हाथों को अच्छे से घी लगा ले, और थोड़ा सा पार्ट आप इस पेड़े का ले और इसको शेप दे दे पेड़े का।
बिल्कुल हल्के हाथों से करना है। देखिए कुछ इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करें ऊपर से और बिल्कुल पेड़े का शेप दे दे। काफी अच्छी खुशबू आ रही है और लुक में भी काफी अच्छा रंग और स्वाद है। आप जरूर इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करें। इस पर थोड़ा सा एक ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास है, पिस्ता, बादाम, और ये आपका झटपट इंस्टेंट पेड़ा रेडी है। तो उसी तरह से सारे पेड़े रेडी कर लीजिए और ट्राई कीजिए और बने रहिए फ्यूजन फूड तृप्ति के साथ। अच्छा खाएं और अपनी सेहत बनाएं। शुक्रिया।